हाँ तो लेट, पहला क्वेश्चन क्या है, लेट ए, आपको एक सेट गिवन है ए, डिफाइन अ रिलेशनशिप, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, तो ए टू ए एक रिलेशन आपको बताना है बाय, तो रिलेशन क्या गिवन है, एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x - y = 0, वेर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू योर सेट ए, तो एक्स और वाई दोनों ही ए से आ रहे हैं और 3x - y 0 आना चाहिए, तो पहले उस रिलेशन को निकालो, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्या सभी का हो गया ये क्वेश्चन? यहाँ पर क्या क्या ऑर्डर यस पेयर सर, आ जाएंगे बेटा, 3, 1 आ जाएगा आई थिंक, फिर 6, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, 6, फिर आ जाएगा 3, 9 और लास्ट में आ जाएगा 4, 12, सिर्फ यही चार एलिमेंट्स आने वाले हैं, ये चार ऑर्डर पेयर होंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा अगर आप x की वैल्यू 5 लेते हो, देखो तो x की वैल्यू 5 लेने पे y कितना हो जाएगा, 15, और y इक्वल टू 15 हो नहीं सकता बिकॉज हमारा जो सेट ए है वो 1 से लेकर 14 तक ही जा रहा है बेटा, राइट? सो इन आवर रिलेशन वी विल हैव दीज फोर ऑर्डर पेयर, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। अब इसकी डोमेन लिखनी है, तो डोमेन मैंने आपको बताया था, डोमेन क्या हो जाता है, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है, ऑलराइट, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट, दैट इज 1, 2, 3, 4, है ना, रेंज क्या हो जाएगा बेटा, तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट, दैट इज 3, 6, 9, 12, है ना, तो रिलेशन था, तो हमने डोमेन और रेंज निकाल लिया, अब कोडोमेन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि कोडोमेन के लिए हमें रिलेशन से तो मतलब ही नहीं होता, हम क्या बोल देंगे डायरेक्टली, इट विल बी द सेट, ये कौन सा सेट होता है, सेट बी हो जाता है क्या डायरेक्टली, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन यहाँ पर डायरेक्टली आपका 1, 2, 3, 4 से लेकर 14 तक हो जाएगा, ये पूरा सेट ही हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा, ऑलराइट, सो डोमेन विल बी 1, 2, 3, 4, रेंज विल बी 3, 6, 9, 12 एंड कोडोमेन विल बी 1, 2, 3, 4 up to 14, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर, ठीक है, हाँ तो अब इसमें कोई डाउट है क्या, सेकंड थर्ड, सेकंड क्वेश्चन सभी ने कर लिया, कोई डाउट सेकंड क्वेश्चन में, नो डाउट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, चलो थर्ड में कोई डाउट नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, शोज अ रिलेशनशिप पी और क्यू, तो सेट बिल्डर फॉर्म में से लिखना है, तो 5 इज रिलेटेड विद 3, 6 इज रिलेटेड विद 4 एंड 7 इज रिलेटेड विद 5, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ, लिखा है क्या किसी ने, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, मंजोत ने किया, तुमने नहीं किया ना मंजोत, फोर्थ क्वेश्चन तो नहीं किया आपने, यस सर, अब सेट R इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q एंड x इज इक्वल टू y प्लस 2, हाँ वेरी गुड, x इज इक्वल टू y प्लस 2, वेरी गुड, हाँ तो यही आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये एलिमेंट है 5, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं 3 प्लस 2 करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, 4 प्लस 2 करूंगा तो मुझे 6 मिल रहा है, 5 प्लस 7 करूंगा तो मुझे 5 प्लस 2 करूंगा तो मुझे 7 मिल रहा है, तो यहाँ पर एक रिलेशन क्या है कि अगर ये इस एलिमेंट को मैं एक्स बोलता हूँ और इसको मैं वाई बोलता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या रिलेशन मिलेगा कि एक्स माइनस वाई कितना होना चाहिए, 2, तो अगर पूरा रिलेशन आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, R will be a ordered pair of x comma y such that x minus y equal to 2 for x belonging to set P and y belonging to set Q, है ना, y किसे बिलोंग कर रहा है, सेट Q को, और x किसे बिलोंग कर रहा है, सेट P को, और x minus y कितना होना चाहिए, equal to 2 होना चाहिए, तो ये हमारा रिलेशन R आ जाएगा, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में तो बहुत ही इजी है, डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे कि 5, 3 का ऑर्डर पेयर होगा, फिर 6, 4 का ऑर्डर पेयर होगा, और फिर लास्ट में 7, 5 का ऑर्डर पेयर होगा, तो ये हमारा क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म, या आ गया आपका रोस्टर फॉर्म। वैदिका एंड शुभांगी कैन यू हियर मी, वैदिका आपका बेटा माइक शायद ऑन नहीं किया आपने, प्लीज सी योर सेटिंग्स, ओके तो ये आ गया, उसके बाद और क्या पूछा था आपसे फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज इट्स डोमेन, तो डोमेन तो क्या है सिंपली बेटा 5, 6, 7 और रेंज क्या है 3, 4, 5, ऑलराइट, तो ये बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, राइट, इसके चलो तो आगे के क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने किए नहीं है,
तो प्लीज कल की क्लास में मुझे सारे क्वेश्चन रिलेशंस पूरी एक्सरसाइज आप लोग करके लाएंगे, ठीक है? कल हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन, ठीक है? तो फंक्शन क्या चीज होती है, तो पहले इसका देखो बेसिक आइडिया लो कि फंक्शन का मीनिंग क्या है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक बेटा मिक्सर ग्राइंडर है, लेट्स सपोज हमने ऐसा बोला कि हमारे पास एक मिक्सर ग्राइंडर है ना। तो मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है, तो अगर हम इसमें फ्रूट्स डालते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें फ्रूट्स डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, जूस मिलता है ना, यही फंक्शन होता है इसका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मिक्सर ग्राइंडर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम कुछ एक इनपुट डाल रहे हैं और हमें ये मिक्सर ग्राइंडर उसे फ्रूट्स को प्रोसेस करके हमें फाइनली आउटपुट क्या दे रहा है, हमें जूस मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? तो हम क्या समझ सकते हैं, अगर मैथमेटिकल फंक्शंस को भी मैं समझना चाहूं तो एक तरीके से मैं इसी मिक्सर ग्राइंडर जो है इसी से समझ सकता हूं कि ये मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें कुछ इनपुट्स डाले जा रहे हैं, ये उन्हें प्रोसेस करके हमें कुछ आउटपुट दे रहा है। तो जो बेटा मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं ना, वो भी एग्जैक्टली इसी मैनर में बिहेव करते हैं। हम उसमें फंक्शंस में कुछ इनपुट डालते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, फंक्शन क्या कर देता है, कुछ आउटपुट दे देता है, ठीक है? तो फंक्शंस कैन बी अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ अ मशीन, इसको आप मशीन भी बोल सकते हो, या ठीक है हमने जैसे एक एग्जांपल लिया था, या फिर सिंपल अगर टर्म्स में हम बोलना चाहें तो ये क्या है, एक तरीके से मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं और वो मशीन उस इनपुट को प्रोसेस करके हमें क्या दे देती है, एक आउटपुट दे देती है ना। अगर जैसे इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट भी डिफरेंट होते हैं, है ना? जैसे अगर इस मिक्सर ग्राइंडर की मैं बात करूं तो बेटा अगर इसमें आप एप्पल डालोगे, है ना, अगर आपका इनपुट एप्पल हुआ तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा बेटा, एप्पल जूस, है ना? आप बनाना इसमें डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यू विल गेट बनाना जूस, ठीक है? तो आपका क्या हो रहा है कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट इनपुट, दिस मशीन इज प्रोसेसिंग द इनपुट एंड वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स। तो इसी सेम तरीके से फंक्शंस में भी होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डालेंगे और उन डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलते हैं बेटा, आउटपुट मिलते जाते हैं, ठीक है? तो ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात इसमें ये इमेजिन करने वाली है कि क्या आप इस मिक्सर ग्राइंडर की अगर मैं बात करूं तो क्या आप इस मिक्सर ग्राइंडर में कुछ भी इनपुट डाल सकते हो क्या? नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं डाल सकता, मुझे क्या इनपुट डालना होगा, मैं इसमें सिर्फ फ्रूट्स ही डाल सकता हूं, है ना? आप इसमें क्या इनपुट डाल सकते हो बेटा, सिर्फ फ्रूट्स ही इनपुट डाल सकते हो, या लेट सपोज वेजिटेबल भी, कुछ लोग की सर मैं तो वेजिटेबल जूस पीता हूँ, ठीक है वेजिटेबल भी डाल दिया, लेकिन आप वुड तो नहीं डालोगे ना यार इसके अंदर, हाँ आप इसके अंदर प्लास्टिक तो नहीं डालोगे ना, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फॉर एवरी मशीन देर आर सम स्पेसिफिक इनपुट, वी कैन नॉट जस्ट पुट एनीथिंग, जो हमारे मन में आया हम वो नहीं डाल सकते, देर आर सम स्पेसिफिक इनपुट्स विच कैन बी पुट थ्रू अ मशीन, राइट? और ये जो स्पेसिफिक इनपुट होते हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिक इनपुट बेटा इन्हें मैथमेटिक्स की रीजन, मैथमेटिक्स की टर्म में, या अगर हम फंक्शंस के लिए इन स्पेसिफिक इनपुट्स की बात करें तो इन स्पेसिफिक इनपुट को फंक्शंस या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है? ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमेन क्या होती है, तो मैंने ये बताया कि ये जो मशीन थी, कोई भी मशीन होगी या ये मिक्सर ग्राइंडर की हमने बात की, तो इसमें हम ना तो वुड डाल सकते हैं, ना प्लास्टिक, ना ऐसा कुछ डाल सकते हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक इनपुट्स विच कैन बी पुट थ्रू दिस मशीन, लाइक एप्पल, लाइक ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट? तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक इनपुट्स होते हैं जिन्हें ही हम मशीन में डाल सकते हैं, सारे इनपुट्स को नहीं डाल सकते। तो ये जो स्पेसिफिक इनपुट्स होते हैं ना बेटा, इन्हें फंक्शन, इन्हें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इन्हें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डोमेन कहा जाता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ऑलराइट? और इन स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए आपको जो आउटपुट मिलते जाते हैं, उन आउटपुट्स को क्या बोला जाता है, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन, है ना? जैसे यहाँ पर आप डाल रहे थे एप्पल, तो आपको एप्पल जूस मिला, बनाना तो बनाना जूस, पपाया तो पपाया जूस, तो एप्पल, पपाया, बनाना, ये सब क्या हो गया, आपकी डोमेन हो गई, एप्पल जूस, बनाना जूस, पपाया जूस, वो सब क्या हो गया बेटा, आपका रेंज हो गया, ठीक है?
आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई फंक्शन की, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि फंक्शंस होते क्या है, है ना। मैथमेटिक्स में अगर फंक्शन को अगर आपको समझना है तो वो एक तरीके से मशीन ही है जिसमें कुछ इनपुट डालेंगे बेटा हम, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा सर। लेकिन मैं सब कुछ नहीं डाल सकता किसी मशीन में, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट होते हैं उन्हें सर डोमेन बोला जाता है, और कुछ स्पेसिफिक आउटपुट निकलता है उन इनपुट्स के बदले में, उन्हें क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। अब देखो, तो जैसे अब मैंने एक मशीन ले ली, जैसे पिछली बार हमने मिक्सर ग्राइंडर लिया था, वो क्या बना रहा था, जूस बना रहा था। अब मैंने एक मशीन ले ली जो क्या कर रहा है, ये मशीन क्या कर रही है, ये मशीन है लेट सपोज एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर आप कुछ भी इनपुट डालते हो तो ये क्या कर देती है, आउटपुट में आपको क्या दे देती है, उसका स्क्वायर करके दे देती है। तो अगर आप यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन डालोगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मैं ऐसा बोलूं वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर मुझे वन मिल जाएगा। अगर सर मैं यहाँ पर टू डालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सर मुझे यहाँ पर टू का स्क्वायर फोर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस वन डालूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर फिर से वन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, फंक्शन एक्स स्क्वायर मेरा क्या कर रहा है, इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डाल रहा हूं और मुझे उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो आपको डोमेन वाली चीज और रेंज वाली चीज बताई थी उसे ध्यान से देखना। अब लेट्स सपोज मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया यहाँ पर, ठीक है, दूसरा फंक्शन मैंने लिया रूट ऑफ एक्स, तो ये क्या करेगा कि मैं यहाँ पर जो भी इनपुट डालूंगा ये उसका अंडर रूट कर देगा, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर 4 डाला तो बेटा आपको ये आउटपुट क्या दे देगा, 4 के करस्पॉन्डिंग 4 का अंडर रूट, तो क्या ये 2 बना देगा उसे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर इनपुट डाला आपका लेट सपोज 1 डाला तो ये क्या कर देगा, 1 का अंडर रूट, फिर से आपको इनपुट क्या दे देगा, 1। क्या मैं यहाँ पर इस मशीन में, मैं फिर से मशीन ही टर्म यूज कर रहा हूँ, क्या मैं इस मशीन में एक्स की वैल्यू माइनस 1 डाल सकता हूँ? All of you, please tell me, can I put x equal to minus 1 in this machine? Yes, batao beta. No, sir, it will provide an imaginary answer. Okay, baki, Shubhangi, kya main beta x equal to minus 1 put kar sakta hun yahan par? No, sir. नहीं, हाँ, तो वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है। तो हाँ, आप लोग को ये पता होगा कि यार अंडर रूट के अंदर कभी भी हम नेगेटिव टर्म नहीं रख सकते, ठीक है, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव टर्म नहीं रख सकते। ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। अभी के लिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब मैं x इक्वल टू माइनस 1 सर यहाँ नहीं पुट कर सकता, तो फिर क्या पुट कर सकता हूँ सर, मैं x 0 से बड़ी या फिर इक्वल टू 0, ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ओके, मैं x इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं x less than 0 यहां पर put कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो x greater than 0 आया है ना, ये क्या है, आपके specific inputs हैं कि यही हम put कर सकते हैं। तो बेटा इस function root x के लिए domain क्या हो जाएगी आपकी, x greater than equal to 0। तो क्या आप समझ में आया, डोमेन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं डोमेन रेंज, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन का मतलब ये था कि वो इनपुट जो हम इस फंक्शन में डाल सकते हो, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, है ना। अरे जैसे फ्रूट्स की बात की थी, तो यार आप ऐसे ही इनपुट डालोगे ना जिसका जूस बन पाया, आप वुड डालोगे तो वुड का जूस तो बन ही नहीं सकता। तो सर मैं यहाँ पर वही इनपुट डालूंगा जिसके लिए ये फंक्शन रूट एक्स डिफाइंड हो, नेगेटिव वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता। तो ये जो इनपुट आए हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही क्या हो जाएगी मेरी डोमेन हो जाएगी, है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग फिर मुझे डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए जो जो वैल्यूज मिलती जाएंगी वाई की, वो सब मेरी क्या होती जाएंगी, रेंज होती जाएंगी। क्या बेसिक आइडिया क्लियर हुआ डोमेन रेंज और फंक्शन का सभी को? Yes, कोई डाउट यहाँ पर किसी को भी, इफ यू हैव एनीवन? तो ये तो बेसिक चीज हो गई, अब हम ऑफिशियल डेफिनेशन पे आते हैं इसकी। ठीक है, तो डेफिनेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, देखो हर बार मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि हमारे पास एक सेट होगा, लेट्स सपोज 1, 2। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेते हैं इसको, 1, 2, 3। एक सेट बी है बेटा, a, b, c। ठीक है, तो a क्रॉस b अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो बेटा उसमें क्या होने वाले हैं, उसमें आपके पास क्या 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, राइट, 1, a, b, c, 3, 3 9 3 × 3 9 पेयर्स आने वाले हैं ना, लास्ट एलिमेंट 3, c ले लिया। तो हमारे पास a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 9 एलिमेंट आने वाले। ठीक है, 9 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा,
टू ही लेते हैं, तुम लोगों को काउंटिंग में वरना दिक्कत होगी। 1, 2 ए कॉमा बी, अभी के लिए इतना लेते हैं पहली बार समझने को, बाद में फिर किसी के लिए भी आप कर सकते हो। हाँ तो ये क्या बनने वाला है, तो अब हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, ए क्रॉस बी में वी विल हैव 4 एलिमेंट्स, राइट, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट। अच्छा अब मैं आपसे पूछता कि टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी ये बताओ कितने होंगे, तो कल ही हमने पढ़ा कि सर टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो रिलेशन का क्या मीनिंग होता है, तो ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन होता है। तो हम देख लेते हैं कि टोटल सबसेट कितने बन रहे हैं, तो 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 to the power 4, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा ये 16, है ना। इसका मतलब यहाँ पर सर टोटली 16 रिलेशंस पॉसिबल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो बेटा ये जो 16 रिलेशंस आए हैं ना, इसी में से कुछ रिलेशन आपके फंक्शन होते हैं, कुछ रिलेशन आपके फंक्शन होते हैं और कुछ रिलेशन आपके फंक्शंस नहीं होते। ओके, आउट ऑफ दीज 16 रिलेशंस, सम रिलेशंस आर फंक्शंस एंड सम रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि सर कौन से रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। आपने ये तो बोल दिया कि इन 16 में से कुछ फंक्शन होने वाले हैं और कुछ फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन अब कौन से फंक्शन होंगे ये बताइए। तो फंक्शन के इसी के लिए हम यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको लिखा था, इसको ऐसे ही करके लिखो कॉपी में, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, इसे नोट करो सबसे पहले, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए should have one and only one image, then relation will be function। ये बेसिक डेफिनेशन है, अभी हम एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन भी लिखेंगे, लेकिन पहले इसको नोट करो, इससे समझना क्योंकि बहुत इजी होता है, ठीक है। हम समझेंगे इसी से, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि कोई भी रिलेशन सर ए टू बी, अगर कोई भी रिलेशन गिवन है तो उस रिलेशन को फंक्शन कब बोला जाएगा, जब ध्यान रखना यहाँ पर दो कंडीशन है, क्या, पहली बात तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब ए का हर एलिमेंट का पहली बात तो क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन इज इट शुड हैव ओनली वन एंड वन इमेज, इसका मतलब उसकी क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी, तो ही हम उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अभी डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल देखो इससे एक बार में क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज मैंने आपको बोला कि ये एक सेट है ए बी सी ए और एक दूसरा सेट है बेटा आपके पास 1, 2, 3 सेट बी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ए टू बी में अगर कोई सा भी आप रिलेशन बनाना चाहो, तो रिलेशन तो किसी को भी किसी से ज्वाइन कर दो, आप सारे वो रिलेशन ही होंगे, है ना। लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन होने के लिए ए का हर एक एलिमेंट पहली बात तो रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन की हर किसी की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ओनली वन एंड ओनली वन। तो अगर मैं इस टाइप की मैपिंग करता हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, ओके सर लेट मी चेक। तो मैं पहली कंडीशन क्या चेक करूंगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड। तो क्या ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, हाँ, तो ए बी सी तीनों से यहाँ पर एरो बना रहे हैं, तो तीनों रिलेटेड है। इट शुड हैव ओनली वन एंड वन इमेज, मतलब उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो क्या ए एलिमेंट की एक ही इमेज है, हाँ सर एक ही इमेज है, ओनली वन। क्या बी की एक ही इमेज है, टू, हाँ सर एक ही इमेज है, टू। सी की भी क्या एक ही इमेज है, हाँ सर एक ही इमेज है, थ्री। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हाँ सर ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन होती है बेटा इंपॉर्टेंट, आप नोट करके लिख लो इसे। पहली कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड, और सेकेंड कंडीशन क्या है, इट शुड बी रिलेटेड टू ओनली वन एंड वन एलिमेंट ऑफ बी, या फिर उसकी ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, है ना, कभी भी दो इमेज नहीं हो सकती। जैसे कि अगर मैं लेट सपोज इसी क्वेश्चन को आपको रिलेशन अगर मैं ऐसा बनाता, कोई ए टू बी रिलेशन अगर मैं ऐसा बना देता,
हाँ तो अगर मैं बेटा ऐसा रिलेशन बना देता तो क्या ये एक फंक्शन होता? तो फिर से आप क्या देखोगे? सर मैं डेफिनेशन देख लेता हूँ। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड। तो ठीक है सर, एबीसी तीनों ही रिलेटेड है तो पहली कंडीशन तो फुलफिल है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि एक ही इमेज वन भी है और एक ही इमेज टू भी है। तो सर यहाँ तो दो इमेज हो गई। या एक सेकंड, मैं इसको ऊपर वाला मैं वैसे ही रख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको बस ऐसे चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई क्लियर इस क्वेश्चन में। अगर लेट सपोज यहाँ चार एलिमेंट होते बी थ्री से रिलेटेड होता सी फोर से। हाँ तो अब मैं क्या बोल रहा था कि ठीक है हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, पहली कंडीशन फुलफिल्ड है, सेकंड कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है यहाँ पर? तो नहीं सर, एक ही तो दो इमेज आ रही है वन और टू, और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या बोला है इट शुड हैव ओनली वन एंड वन इमेज। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो है, है ना, ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। तो समझ में आई बात? तो जितने भी रिलेशन होंगे उनमें से कुछ फंक्शन होते हैं कुछ फंक्शन नहीं होते हैं। फंक्शन कौन से एलिमेंट होंगे, फंक्शन कौन से रिलेशन होंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड होना चाहिए और हर किसी की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, तो वो रिलेशन क्या बन जाता है? आपका फंक्शन बन जाता है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, किसी किसको डाउट है प्लीज बताओ। यस लक्षिता, व्हाट इज योर डाउट? No, sir, you just asked now whether it is a function or not. So I was telling that only. क्या क्या? You right now just asked now whether this second diagram is a function or not. Okay, 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 okay. So I told that it is. Okay, okay, okay. Fine. Okay. किसी को कोई doubt? मंजोत, वैदिका, रिशिता, क्या सभी को clear है? Please click on yes if definition of function is clear to everyone. सभी को क्लियर है? ओके वेरी गुड, देन बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार तुम लोग डाउट्स नहीं पूछते हो? हाँ सब कुछ तुम्हें समझना आ रहा है ना? चलो ठीक है, अभी पता चल जाएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये आपने बोल दिया ठीक है फंक्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे यस और नो में बताएंगे। अगर ये फंक्शन है तो यस पे क्लिक करना है आपको, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। तो 1 2 3 4 यहाँ पर है ए बी सी डी। बताओ क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है? इज दिस अ फंक्शन और नॉट? नो, ठीक है, सभी का आंसर यहाँ पर नो आ गया, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। हाँ तो आप मुझे रीजन बताएंगे सभी लोग, कौन बताएगा रीजन? ओके सर, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। हाँ यहाँ पर वेरी गुड, सबसे पहली ही कंडीशन यहाँ पर वॉयलेट हो गई कि हमारी जो पहली कंडीशन थी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड, तो यहाँ पर फोर का तो सर किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट अ फंक्शन। यस वेरी गुड। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अगेन यू हैव टू टेल मी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से आंसर देना, जल्दी मत करना, डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेना। तो देखो यहाँ मैं एक बार बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट में। तो जनरली इसमें बच्चे गलती कर देते हैं और इसको क्या बोलते थे कि ये एक फंक्शन नहीं है, है ना, ये एक फंक्शन क्यों नहीं है? तो अगर आप देखोगे तो पहली कंडीशन तो फुलफिल्ड है, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर सर आपने बोला था कि हर किसी की यूनिक इमेज होनी चाहिए, इट शुड हैव ओनली वन एंड वन इमेज, लेकिन यहाँ पर टू की भी एक इमेज है बी और थ्री की भी सेम इमेज है बी, तो ये तो दोनों की सेम हो गई तो हम इसको हटा देंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज अ फंक्शन। ये जो मैंने मैपिंग बनाई है ये क्या है? ये एक फंक्शन है, टिक मान लो से, दिस इज अ फंक्शन। व्हाई? क्योंकि मैंने ये बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट होना चाहिए और उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, तो क्या वो कंडीशन यहाँ फुलफिल है? हाँ वो कंडीशन तो फुलफिल है, क्योंकि टू की भी एक ही इमेज है जो कि बी है और थ्री की भी एक ही इमेज है जो कि बी है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टू और थ्री की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए थी जो कि यहाँ फुलफिल है। थ्री की भी एक ही इमेज आ रही है, ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज, और टू की भी बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही इमेज है, दैट इज बी, तो ये एक फंक्शन होगा। लेकिन अगर मैं इसे ऐसा बना देता, अगर मैं इसे ऐसा बना देता तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं कि अब सर वन की क्या हो गई है? दो इमेजेस हो गई हैं और ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, दो एलिमेंट टू और थ्री की एक ही इमेज हो जाए सी, वो चलता है क्योंकि वो एक एक ही इमेज हो रही है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाएंगी तो वो नहीं चलेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेटा आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और ये एरो डायग्राम्स अगर गिवन है तो वहां से आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एरो डायग्राम आपका फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। डेफिनेशन लिख लो, एक्चुअली जो हमने समझा है वैसी सी डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा और ये सही डेफिनेशन होती है, तो अगर कहीं पूछा जाए तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, क्या अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, एक रिलेशन एफ जो कि सेट ए से सेट बी में एग्जिस्ट कर रहा है, विल बी अ फंक्शन, वो फंक्शन हो जाएगा कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज इन बी, तो वही चीज लिखा है लेकिन बस थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखा है, है ना। तो ये ऑफ एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रॉपर डेफिनेशन है फंक्शन की, तो क्या कि एक रिलेशन जो सेट ए से सेट बी के बीच में है वो एक फंक्शन हो जाएगा कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, अगर उसकी सिर्फ एक और एक इमेज होगी सेट बी में तो वो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलो तो ये सभी को आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, ये क्या हो जाता है, हमारा फंक्शन हो जाता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। एरो डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कि अगर एरो डायग्राम आपको गिवन है तो एरो डायग्राम से आप क्या बता सकते हो कि फंक्शन की कौन सा एरो डायग्राम हमारा, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपकी बुक का इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। तो एग्जाम्पल 11 दिख रहा है सभी को, ऑल ऑफ यू, Can you see example 11? दिख रहा है सभी को example 11? Yes, sir. चलो बताओ इसमें तीन relations यहाँ पर given है, आपको बताना है कौन सा वाला relation function होगा और कौन सा नहीं होगा। यहाँ पर आप फिर से किसकी मदद ले सकते हो, एरो डायग्राम की बेटा। ओके गुड शुभांगी, तीनों पार्ट्स हो गए आपके। तो देखो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है इसको आप एरो डायग्राम की फॉर्म में बना लो, है ना, तो आपको देखना बहुत इजी हो जाएगा, जैसा अभी हमने प्रैक्टिस की है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा बेटा। चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो पहला वाला क्या है, मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको इधर ड्रॉ, हाँ यहाँ ड्रॉ हो जाएगा वेरी। हाँ तो देखो पहला क्या बोला है, आर इक्वल टू 2, 1, 3, 1 और 4, 2। तो 2, 1, 3, 1, 4, 2 तो क्या यहाँ पर आप सेट्स ए और बी बना सकते हो क्या, सेट्स और ए और बी में बना सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेट ए में क्या क्या एलिमेंट आने वाले हैं, 2, 3, 4 और यहाँ क्या आने वाला है, 1 और 2। तो बोला है 2 भी 1 से रिलेटेड है क्योंकि 2, 1 ऑर्डर्ड पेयर है, फिर 3 भी 1 से रिलेटेड है क्योंकि 3, 1 ऑर्डर्ड पेयर है, और 4 भी 2 से रिलेटेड है तो 4, 2 ऑर्डर्ड पेयर है। तो तीनों एलिमेंट्स रिलेटेड है, सेट ए के तीन सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है और हर किसी की सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, 2 की भी 1 इमेज है, 3 की भी 1 इमेज है, 4 की 1 इमेज है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, यस सर दिस इज अ फंक्शन। तो पहला वाला फंक्शन है, सेकंड वाला डिस्कस करते हैं फिर। सेकंड वाला क्या बोला है, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 4। तो इसमें भी आप क्या करो, पहले सेट ए बना लो, तो सेट ए के एलिमेंट पहला एलिमेंट जो है 2, 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 तीन एलिमेंट आए यहाँ पर। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 2, 4, 3, 4, तो फिर से 2, 3, 4 ही आ रहा है। अब यहाँ पर रिलेशन बनाने की कोशिश करो, तो पहला एलिमेंट है 2, 2, इसका मतलब 2, 2 से रिलेटेड है, फिर 2, 4 इसका मतलब 2, 4 से भी रिलेटेड है, फिर 3, 3 इसका मतलब 3, 3 से रिलेटेड है, और फिर 4, 4 मतलब 4, 4 से रिलेटेड। अब पहली कंडीशन तो फुलफिल्ड है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, बट क्या हर किसी की सिर्फ एक ही इमेज है, नहीं सर, 2 की तो यहाँ पर 2 इमेजेस हो गई। रिशिता 2 की बेटा देखो यहाँ पर 2 इमेज हो रही है ना, एक 2B और 4B, एक तो सिर्फ एक इमेज तो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं है। और थर्ड वाला आप लोग देख लो, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आई थिंक बड़ा बनेगा ये। तो हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह एलिमेंट है और रेंज में क्या क्या आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो वन टू से रिलेटेड है, टू थ्री से, थ्री फोर से, फोर फाइव से, फाइव सिक्स से, सिक्स सेवन से, तो ये रिलेशन तो हर एलिमेंट रिलेटेड है और हर किसी की सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, दिख ही रहा है हमें, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा सर, ये भी एक फंक्शन होगा. ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर फंक्शन बट सेकेंड वन इज नॉट अ फंक्शन. ऑलराइट, तो इस टाइप के आपको बेसिक बेसिक रिलेशन दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि बताओ कौन सा रिलेशन फंक्शन है या कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है. तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डेफिनेशन हमेशा याद रखनी. चलो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरे टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, अब हमारा आगे जो डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है वो किस पे स्टार्ट होने वाला है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे. टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो सबसे पहले ये समझो कि आपको अब से ना यहाँ पर आगे कई जगह ऐसी चीज लिखी हुई दिखी मिलेगी, f such that f, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इसको ध्यान से समझो. ठीक है, f such that f exists from a to b, है ना. इसका मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन f है, ठीक है, जो फंक्शन f है वो कहां से कहां एग्जिस्ट कर रहा है, उस वो इट एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, जैसे अभी हम बोल रहे थे ना कि एक रिलेशन ए टू बी हो रहा है. ठीक है, कोई भी रिलेशन अगर ए टू बी एक रिलेशन है हमारा, तो उसे हम फंक्शन कब बोल रहे थे. ठीक है, वो फंक्शन कब बन जा रहा था, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए वॉज रिलेटेड टू ओनली वन वन एंड वन इमेज. ठीक है, तो इस फंक्शन अगर एफ को हमें सिंपली डिफाइन करना होता है कि कोई भी फंक्शन एफ ए से बी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम किस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से. अब से आगे आपको ये इस टाइप में मिलेगा कि एक फंक्शन एफ है सच दैट वो कहां से कहां एग्जिस्ट कर रहा है, कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विथ एलिमेंट्स ऑफ बी. ठीक है, तो इस डेफिनेशन का यही मतलब है कि ये आपका जो सेट ए होता था वो यहाँ पर ए लिखा है, और कहां पर ये मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, फ्रॉम ए टू बी. इसका मतलब ए के एलिमेंट्स रिलेटेड है सेट बी के साथ. क्लियर है, तो ये जहां पर भी आपको ऐसा करके कुछ भी लिखा हुआ दिखेगा, तो वहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो फंक्शन ए से बी में एग्जिस्ट कर रहा है. अगर ऐसा मैंने लिख दिया बी टू ए, इसका मतलब बी के एलिमेंट अब ए से रिलेटेड है, और ये ए और बी क्या होंगे, दीज आर दी सेट. ए और बी क्या है, आपके सेट्स. ठीक है ना. चलो अब हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही एक बेसिक सा फंक्शन होता है हमारा. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज योर बेसिक फंक्शन विच इज आइडेंटिटी फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है, तो अगर एक फंक्शन आपको एफ एक्स कुछ इस टाइप से दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, दिस फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है, इसे आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोला जाता है, तो देखो अगर मैं यहां पर एक्स की वैल्यू वन रखता हूं, तो मुझे f ऑफ वन किसके बराबर मिल रहा है, तो f ऑफ x x के बराबर, इसका मतलब f ऑफ वन किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर. f ऑफ टू किसके बराबर हो जाएगा, ये टू के बराबर हो जाएगा. f ऑफ थ्री किसके बराबर हो जाएगा, थ्री के बराबर. इसका मतलब मैं f का जो भी इस फंक्शन में जो भी इनपुट लगता हूँ पुट करूंगा, मुझे आउटपुट एज इट इज वही मिल जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए इस फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन नाम दिया जाता है. ठीक है, जो इनपुट हम पुट करते हैं वही हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है. ठीक है ना, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज नोन एज योर आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, आगे कुछ फंक्शन जो भी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन में, तो हम हर फंक्शन को पहले समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे बेटा, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. हम उसका क्या करेंगे फिर, ग्राफ. तो ऑल ऑफ यू प्लीज सी दिस, तो ये आपका पहली बार होगा कि जब आप ग्राफ शायद से ड्रॉ करना हम लोग को आता है, 9th 10th में पढ़ा ही होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये क्या होती है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना बेटा. ये जो पॉइंट होता है जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, ये क्या होता है, ओरिजिन आपका 0, 0. इधर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होती हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई एंड हियर negative values of y. तो जब भी आप किसी function का graph बनाते हो ना, तो आप क्या कर देते हो, आप किसका graph बनाते हो, y equal to fx का. All of you please remember this. जब भी हम किसी function का graph बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, y equal to fx का graph बनाते हैं. ठीक है, y equal to fx का graph. अब fx किसके बराबर है, यहाँ पर x के ही बराबर है, तो इसका मतलब overall हमें किसका graph बनाना होगा, y equal to x का graph बनाना होगा. Yes,
आप ग्राफ किसका बनाते हो, y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स किसके बराबर है, x के बराबर, तो y इक्वल टू x का ग्राफ एक तरीके से बनाना होगा। और y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये क्या होगी एक, आप सभी को पता होगा 9 10th में आपने लीनियर इक्वेशन तो प्लॉट की है, तो y इक्वल टू x, इसका मतलब x की जो भी वैल्यू है y की भी वही वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो जैसे x को 0 पुट किया तो y भी कितना हो गया 0, इसका मतलब एक पॉइंट तो ग्राफ यहां से पास हो रहा होगा ओरिजिन से। फिर x को 1 रखते हैं, तो x को 1 रखा यहां पर, तो y भी कितना आ जाएगा, y भी कितना हो जाएगा सर, y भी 1 हो जाएगा, y equal to 1, इसका मतलब सर ग्राफ यहां से पास होगा। फिर 2 रखा तो y भी कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे करते करते फिर 3 रखा मैंने, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 पे ये फंक्शन फिर से क्या वैल्यू ले लेगा, y equal to 3। इसका मतलब हम x की जो जो वैल्यू रखते जाएंगे y की ये वैल्यू आती जाएंगी, और इससे अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, y equal to x का कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी से चलती हुई आएगी और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाती रहेगी। तो ये आपका किसका ग्राफ बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x का आपका ग्राफ ये बन गया, ओके। तो ऑलवेज जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो जो फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन है, हम क्या कर देंगे, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब एफ एक्स जो भी गिवन है वो पुट कर दो, तो हमें क्या ओवरऑल मिल रहा है, y इक्वल टू x, और इस ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो y इक्वल टू x ये आ जाएगा आपका, इस तरह से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगी, और इसी को क्या बोला जाता है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। किस किस को ये ग्राफ क्लियर है, प्लीज टेल मी इफ दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। सभी को क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। वैदिका, इज दिस क्लियर टू यू बेटा? यस सर। ओके ग्रेट। नाउ तो ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आ गया, ये पहला फंक्शन था हमारा। तो इसी तरह से बेटा हम आगे भी जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन पढ़ना है, ये तो सबसे बेसिक फंक्शन है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान यहाँ पर किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, मैं आपका ध्यान यहाँ पर थोड़ा सा ले जाना चाह रहा हूँ बिटवीन ऑन दीज टू टर्म्स, डोमेन एंड रेंज। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते थे आप, कि आपको अगर कोई रिलेशन गिवन है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा और उसके सेकंड एलिमेंट का सेट रेंज होगा, है ना। इस तरह से अगर आपको मैपिंग गिवन है तो पहला सेट जहां से भी रिलेशन बन रहा है तो पहले इसके एलिमेंट सारे सेट ए हो जाएंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग वाई की जो ये जो सेट बी में जो जो वैल्यूज हमें मिल रही है वो क्या हो जाएंगी, हमारी रेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर फंक्शंस में भी डेफिनेशन तो यही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको इस डोमेन और रेंज को समझने के लिए हम कहाँ जाएं, जब मैंने आपको फंक्शन मैंने जस्ट स्टार्ट कराया था तब मैंने आपको फंक्शन क्या बोला था, कि डोमेन क्या होती है किसी भी फंक्शन के लिए, डोमेन ऑफ फंक्शन इज सम स्पेसिफिक इनपुट्स, है ना, ऐसे स्पेसिफिक इनपुट जो उस फंक्शन में डाले जा सकते हो, है ना, वो स्पेसिफिक इनपुट्स क्या होते हैं, डोमेन कहलाते हैं। और उन इनपुट्स के लिए y की उस इनपुट्स के लिए फंक्शन जो हमें वैल्यू देता है वो क्या कहलाती है, हमारी रेंज कहलाती है ना। और उसको हमने आगे यहाँ पर देखा था, तो जैसे अगर रूट एक्स मेरा फंक्शन था तो हमने क्या बोला था कि सर इसमें मैं एक्स जीरो से छोटी मतलब निगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकता, राइट। तो स्पेसिफिक इनपुट इसमें क्या हो रहे थे, सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो। तो हमने क्या बोला था कि इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगी, एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो इन सब अगर पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे तो यहां से मैं डोमेन में एक पॉइंट लिख रहा हूं जो हम आगे फॉलो करेंगे। तो डोमेन किसी भी फंक्शन की कैसे डिफाइन होती है, सो डोमेन डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एफ एक्स is defined। इस डेफिनेशन को बेटा आप नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन किसी भी फंक्शन एफ एक्स के लिए एक्स की वो सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिनके लिए मेरा फंक्शन क्या होता हो, डिफाइंड होता हो, कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं हो। जैसे मैंने बोला था कि अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है तो आपने बोला था कि सर इसमें मैं निगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज के लिए, फॉर निगेटिव वैल्यूज एफ एक्स विल बी
नॉट डिफाइंड फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो हमने क्या बोला था, अच्छा अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन विल बी एक्स ग्रेटर देन जीरो. तो अब से आपको कहीं पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मतलब इतने क्वेश्चन आते हैं इस पे कि आपसे सिंपली पूछ लिया जाता है कि फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको एक फंक्शन एफ एक्स दे दिया जाएगा तो आपको सिर्फ एक चीज याद होनी चाहिए कि डोमेन क्या होती थी, तो एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड होता था. ऑलराइट बेटा, उसी को क्या बोल देते हैं, डोमेन बोलते हैं. जैसे कि इस फंक्शन रूट एक्स के लिए डोमेन क्या होगी बेटा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ऑलराइट, रूट एक्स के लिए डोमेन क्या होगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी सिंपली आपकी. ठीक है, अच्छा फिर आती है बात कि सर रेंज क्या होगा. ठीक है डोमेन, अच्छा डोमेन किस किस को समझ में आ गया है, प्लीज लेट मी नो इफ डोमेन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके शुभांगी, लक्षिता, लक्षिता क्लियर है आपको बेटा, ओके गुड एवरीवन, सभी को क्लियर है. आई डोंट थिंक एनीवन, ऋषिता ऋषिता डू यू हैव एनी डाउट? यस सर. हाँ बोलो सर. रूट एक्स के लिए तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो फिर डोमेन इसका निकलेगा क्यों? नहीं, रूट एक्स के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड है, क्या आप इस रूट एक्स में एक्स की वैल्यू 2 नहीं पुट कर सकती बेटा? हाँ हाँ 4 पुट कर सकती हो, इसका मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर सकती हो ना. हाँ ठीक है, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि डोमेन क्या है, इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. तो हमने क्या बोला कि रूट एक्स में मैं एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो ये सारी एक्स की वैल्यू डाल सकता हूँ. तो ये सेट क्या हो जाएगा मेरा, डोमेन होगा. मैं निगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकता यहाँ पर. आई बात समझ ऋषिता? यस सर. ओके हाँ लक्षिता बोलो बेटा. सर आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो आंसर तो आएगा ही, भला इमेजिनरी क्यों ना आए. नहीं 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 नहीं, ये कहां पड़ा है, रूट माइनस फाइव डाला तो फाइव आउटा तो आएगा ही, आंसर तो आएगा ही ना. पर ये आपने कहां पर पढ़ा है, टेंथ में पढ़ा है आयोटा वाली चीज? नो सर, इलेवेंथ की पढ़ी है. तो इलेवेंथ में अभी कैसे पढ़ लिया? वो मैं पढ़ लिया आगे का सर मैंने. बट ये बेटा एक हम सिस्टम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, लेकिन ऐसी कोई चीज होती नहीं है. ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स. दीज आर नॉट रियल, इसीलिए तो इमेजिनरी बोला जाता है. हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो आयोटा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, तो आंसर नहीं आ सकता. वो सारी चीजें जो आयोटा वाली होती है ना, वो नॉट एग्जिस्ट होती है बेटा. ठीक है, वो एक सिस्टम माना गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सम काइंड ऑफ नंबर्स. लेकिन यहाँ पर हम जितनी भी बातें करते हैं ना, पूरी ओवरऑल कैलकुलस फंक्शन में जब भी हम बात करेंगे तो हम रियल नंबर्स की बातें करते हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट अ प्रॉपर सिस्टम. वो एक सिर्फ सिस्टम हमने डिफाइन कर लिया है कि निगेटिव नंबर, निगेटिव ऑफ अंडर रूट नंबर्स को डिफाइन करने के लिए आयोटा मान लिया, लेकिन वो रियल नंबर्स नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है. वो सिर्फ सोचे गए हैं, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो नंबर्स, है ना. तभी तो उनको इमेजिनरी बोलते हैं. तो वो रियल में मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन रियल वर्ल्ड. ऑलराइट, दे आर जस्ट इमेजिनरी नंबर्स. तो आप ऐसा मत सोचो कि वो निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो आयोटा आएगा. इज दिस क्लियर? तो बेटा जब भी हम बात करेंगे फंक्शंस की या ठीक है रेंज डोमेन जो भी बात करेंगे, तो आप रियल नंबर्स की हम बातें करते हैं कि क्या रियल नंबर्स ऑफ एक्स के लिए आप रियल नंबर्स ही तो पुट कर सकते हो यार. इमेजिनरी नंबर जो हमें पता ही नहीं वो हम पुट कैसे कर पाएंगे. ऑलराइट, सो इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग ये बातें नहीं करते. और कोई डाउट किसी को? यस लक्षिता, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर. ओके चलो, तो अब ये हो गया आपका डोमेन, है ना. तो डोमेन की ये डेफिनेशन याद रखना, इस पे हम थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे. देखो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना फंक्शंस, ये आप 12th में पढ़ोगे मेजरली. मैं अभी आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एनसीईआरटी लेवल पे या थोड़ा उससे बस थोड़ा सा ज्यादा जो आपको जरूरत है. ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और ये 12th का चैप्टर है. ठीक है,
एग्जैक्टली सेम चैप्टर अगर आपके पास एनसीईआरटी हो या आपने देखा हो तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 12th में होता है और ये पढ़ाया भी मेनली वहीं जाता है और ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है. तो हम पूरा इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, हम उतनी चीजें पढ़ेंगे जो अभी के लिए हमें रिक्वायर्ड है और अभी आपको उस पे से क्वेश्चन आ सकता है ना. तो मैं उसी फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा चैप्टर आपको वैसे नहीं पढ़ाऊंगा. तो डोमेन आपके लिए जानना जरूरी था क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको डोमेन पर गिवन है. अब रेंज क्या होती है, तो रेंज को भी मैं आपको एकदम सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ. देखो तो रेंज इज वैल्यूज ऑफ फंक्शन यू विल get for different values of x in the set of domain. Range is the values of function you will get for different values of x in the different values of x in the domain of फंक्शन. इसको ध्यान से समझना. एक्चुअली मैं इसकी डेफिनेशन ये जस्ट ऐसे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए. मीनिंग क्या है इस चीज का, तो देखो ऐसा समझो कि कोई भी अगर फंक्शन है fx इक्वल टू करके मैंने कुछ भी एक फंक्शन अगर आपको दे दिया, तो उस फंक्शन fx की रेंज क्या होगी, तो x की जो भी वैल्यूज डोमेन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उन x की वैल्यूज को जब आप पुट करते जाओगे और आपको जो फंक्शंस की वैल्यू मिलती जाती है वही हमारे लिए क्या होती है, रेंज होती जाती है फंक्शन. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन वी विल गेट फॉर पुटिंग फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इन दी डोमेन, है ना. जो भी एक्स की डोमेन में एक्स की जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं उसे फंक्शन में पुट करने पर फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसी को क्या बोल दिया जाता है, रेंज बोल दिया जाता है. जैसे अगर मेरा फंक्शन मान लो होता है fx equal to x square, तो जैसे 0 पुट करने पे 0 आता तो 0 हमारी रेंज में होता, 1 पुट करने पे 1 आता तो 1 हमारी रेंज में होगा, 2 पुट करने पर 4 आएगा. तो x की जितनी भी वैल्यूज डोमेन में एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी वैल्यूज पुट करने पर fx की जो भी वैल्यूज आ रही है वो पूरा सेट हमारा क्या हो जाएगा, रेंज का हो जाएगा. ठीक है, तो ये रेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ. अब जैसे जैसे हम इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट में फंक्शन आपको बताते जाऊंगा, वैसे वैसे हम उनको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज देखते जाएंगे. क्या डोमेन और रेंज सभी को क्लियर है? यस, डोमेन और रेंज में कोई डाउट किसी को? चलो तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला फंक्शन था आइडेंटिटी फंक्शन. अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स डोमेन एंड रेंज. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज में आपको बताने वाले. ठीक है, तो डोमेन क्या होता था, याद करो डोमेन क्या होता था. सर डोमेन वो होता था वो एक्स की वैल्यूज जो मैं फंक्शन में डाल पाऊं ताकि इसके लिए फंक्शन मेरा डिफाइंड हो. तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है. क्या ध्यान से देखो, क्या कोई सी भी एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर तो एक्स के मैं निगेटिव पॉजिटिव जीरो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, राइट, है ना. तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, आई कैन पुट डाउन एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फंक्शन, है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू मतलब fx जो है वो y लिखा था हमने, y equal to fx, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, y equal to fx equal to x. तो यहां पर मैं x की सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूं, हर किसी के लिए फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफाइंड ही होगा. और सारी वैल्यूज का क्या मतलब है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी. तो उस सेट को क्या बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, इसको क्या बोला जाता है, ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, R. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ऑल रियल नंबर्स के सेट से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए fx equal to x आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि यहां पर x की सारी वैल्यूज में इस फंक्शन में पुट कर सकता हूं. ठीक है, ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स. डोमेन क्या होता था, डोमेन एक्स की वैल्यूज है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्स की वैल्यूज मैं माइनस इनफिनिटी से सारी निगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकता हूँ, जीरो भी पुट कर सकता हूँ और सारी पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर सकता हूँ. हर जगह मुझे उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की एक एक वैल्यू मिलती जाएगी. क्या ये समझ में आया कैसे मैंने इस फंक्शन की डोमेन लिखी है, ये मुझे प्लीज बता दो आप लोग. यस सर, ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दीबा,
रिशिता इज दिस क्लियर? ओके ग्रेट। चलो अब रेंज पे आते हैं। तो देखो रेंज निकालने का भी ना मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। तो रेंज क्या थी, तो हमने बोला था कि वैल्यूज ऑफ फंक्शन यू विल गेट फॉर पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। डोमेन में एक्स की जो भी वैल्यूज है उन्हें पुट करने पर फंक्शन की जो वैल्यू आती है। तो क्या मैं फंक्शन की वैल्यू को ऐसा बोल सकता हूँ कि वाई की जो वैल्यू आती है, y equal to fx है ना, तो इसका मतलब x की different value put करने पर y की जो value आएंगी वही क्या हो जाएगा मेरा बेटा, range हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x 0 put करने पर y कितना आया 0, x minus 1 put करने पर y कितना आएगा minus 1, minus 2 put करने पर कितना आएगा minus 2, है ना। ऐसे ही अगर मैं positive की बात कर रहा था तो 1 के लिए 1 आएगा y, 2 के लिए 2 आएगा, 3 के लिए 3 आएगा। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक पुट करता रहता हूं तो हर एक x की वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। और y की वैल्यूज भी आपको कहां से कहां तक दिख रही है कि अगर x की ऑल रियल नंबर्स वैल्यू में पुट कर पाऊंगा तो क्या मुझे उसके करस्पोंडिंग y की भी सारी ऑल रियल नंबर्स वैल्यू मिलती जाएंगी। यहां पर ध्यान देना, जैसे 1 था तो 1 के लिए y की भी वैल्यू 1 मिल गई, 1.1 के लिए भी मिलेगी। मतलब 1 से 2 तक अगर मैं x पुट कर रहा हूं तो मुझे उसके करस्पोंडिंग 1 से 2 y मिलेगा, फिर 2 से 3 अगर पुट कर रहा हूं तो 2 से 3 y मिलेगा। तो ऐसे करते करते अगर मैं सारी x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूं तो उसके करस्पोंडिंग मुझे सारी पॉजिटिव y की वैल्यू मिलेंगी, और अगर मैं x की सारी निगेटिव वैल्यू पुट करता हूं तो उसके करस्पोंडिंग मुझे y की भी सारी निगेटिव वैल्यू मिलेंगी। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर y की कितनी वैल्यूज आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक y सारी वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज भी क्या है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, और उसे क्या बोल दिया जाता है, उसे रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोल सकता हूं मैं, सॉरी माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी को क्या बोल सकता हूं, ऑल रियल नंबर्स का सेट दैट इज R। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि रेंज क्या होगी कि x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने के लिए y की जो वैल्यूज आपको मिलने वाली हैं। तो अगर मैं x की ऑल रियल नंबर्स वैल्यू पुट करूंगा तो y भी मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, ऑल रियल नंबर्स वैल्यू अज्यूम कर लेगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। आई वॉन्ट यस फ्रॉम एवरी वन फॉर दिस पार्ट, जस्ट रेंज वाले पार्ट के लिए अगर आपको ऑनेस्टली आया है तो प्लीज यस पे क्लिक करो, अगर छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो उससे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ जिससे आप हमेशा फाइंड कर पाओगे रेंज। ठीक है, सबको आ गया, बहुत बड़ी बात। तो अब देखो यहाँ पर इसको ऐसा भी बोल सकते थे कि अगर आपको किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी है तो आप क्या करो, अगर उस फंक्शन का ग्राफ आपके पास है तो आप उसकी वाई एक्सिस पे शेडो ले लो, और वाई एक्सिस पे शेडो जहां तक भी जाने वाली है, जहां से स्टार्ट होके वही पार्ट क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। तो अगर ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है तो इसकी शेडो वाई पे माइनस इंफिनिटी पे आएगी, और इधर कहां तक चलती जाएगी, प्लस इंफिनिटी तक। शेडो है ना, इसकी शेडो यहाँ आएगी, इसकी शेडो यहाँ, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरा ये तो मुझे ग्राफ यहाँ पर शेडो सभी पॉइंट पर मिलने वाली है। इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा मेरा, ऑल रियल नंबर्स, और डोमेन भी क्या हो जाएगी, ऑल रियल। ठीक है, तो देखो आज आप लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे, आज आप लोग बस कहां तक सोचोगे कि मैंने आपको ये बताया है कि फंक्शन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, मैंने आपको कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे कौन से नहीं होंगे ये सब पढ़ाया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन और डोमेन और रेंज के बारे में आज ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट हुआ है और हम बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये टॉपिक आपका 12th का है, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशियंट होगा आपकी एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी में मेनली आप कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस।